मेरा नाम नसरुद्दीन जी, साड़ी कौम आवान है। अबा साडा टाइप सीखन लाहौर गया, मतलब उस वे टाइप सीखने वास्ते भी बेरे या सरबत बंदा कोई नहीं सी। लाहौर जाके टाइप सीखे और नौकरी मिली डीसी दा या जन दा टाइपिस 45-50 रुपए तनखा सी। इस अलावा तो 75 साल पहले दी गल है। मैंने इस तो याद है कि अब्बा अपनी तनख्वाह माँ नूं आके देंदे सी ना, ते माँ फिर सन पैसा मंगी आ ना फर्ज कीता आना जाना ते झिड़कदी आई। वो कहंदी आई तरामे दा पैसा वो दिंदी आई, कहंदी आई ये बड़ा उहदे नाल थोड़ी जिही रेवड़ियां रेवड़ियां समझदे हो मिल जांदियां सन। उन्हें याद है किराट दुकानदार होंगे हिंदू रोशन बस, वो जरा अच्छा से उस को जाके रेवड़ियाँ ले गई। वो रोशन जरा वो इस तो अच्छा सी कि वो नफरत जाहिर तौर पर नहीं सी करता। हिंदू भाई और सी ना उसने मिसिज नून कहने सर, अच्छा उस मैंने एक बार आख्या तेरी अंग्रेजी चंगी मैंने बाइबल सुनाया कर। वो मैंने माँ ने आख्या पुत्र है तो अद्धा की किताब इन्हें काफना बदल ली, तू पढ़ के सुना दे तेन के गुना। मैं उन्हें पढ़ के सुनाई तो वो इतनी खुश हुई, वो समझिया गालिबन कि मैं ऐसा ही हो जाऊँगा। तो उसने अपने बतरिया और थियोडोर खान जिहड़ा गार्डन कॉलेज प्रोफेसर उसने दसिया, उसने डॉक्टर कमिंग्स नू दसिया जिहड़ा कि अमेरिकन प्रिंसिपल। उसने इस गल का पता सी कि कॉलेज बाइबल पीरियड एक होंदा सी उहदे च मुसलमान 8 जुर्माना दे जाने सर अटेंड नहीं सन करदे। तो उसने जिसने सुने कि एक मुसलमान ने 3 महीने बाइबल पढ़ के सुनाई, वो बड़ा खुश हुआ। उसने क्या इसने कोई जवाब दे दे, वो मैं चुनाचे उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेटर ला लिया। मैं BSc सा ना, तो आफ्टरनून क्लासा अटेंड करके MA हिस्ट्री करना। MA अंग्रेजी सी लेकिन अंग्रेजी का टीचर किसे छुट्टी चले गए या कोई होर मसला हो गया। तो थियो ने ही मैंने आख्या कि तू हिस्ट्री कर रहा, तू लोगों ने दस्या करी पाकिस्तान किकण बनया क्यों बनया। बहरहाल असी इस तरह हिस्ट्री के टीचर बन गए। फिर वो नैशनलाइज हो गए तो हम पेंशन लैन जाने बैंक में। मैं याद है एक कुड़ी पुछती है उड़ा काम करती है कि थोड़ी मौज नहीं है हर महीने पैसे ले जाने। उन्होंने मैं आख्या बच्चा तू कितने साल काम किया, कहती मैं 6 साल काम किया। मैं आख्या मैं बच्चा 31-32 साल कॉलेज पढ़ाया ही, 3 साल एक स्कूल पढ़ाया ही, इस तरह समझ लेते 34 साल मैं पढ़ाया ही तो पेंशन लेना। उसने खलो किदू हथों, उसने आख्या सर तुम 34 साल पढ़ाया इसे बड़ा अरसा। मैं आख्या मैं तेरे सामने कूड़ क्यों मारा, मैंने क्या मिलेगा कूड़ मार के। मैं आख्या सच है बच्चा कि मैं 34 साल पढ़ाया। बस यही याद है कि हिंदू में अच्छे लोग हैं सन, क्योंकि मैं याद है मेरा वालद को कर्ज लैंदा सी, वालद कर्ज वापस कर देता सी। लेकिन कर्ज लेना भी एक उस वे मुसलमान में एक अच्छा अमल तसव्वुर किया, क्योंकि नफरत इतनी सी कि वो कर्ज देना भी पसंद नहीं सन करते। मेरे अब्बे कर्ज दे देते सन, मैं याद है उसका फिर कर्ज लेंदा रहा
किस तरह बाकी हूँ मैं ये याद है कि पहले 50 रुपया या 45-50 रुपये मुश्किल गुजारा मैं क्योंकि 4 भैन सन 4 भाई सन जिन्होंने सारे तालीम दी भैन की शादी उस औरतों की शादी से दहेज का रिवाज इस वास्ते बड़ा पैसा खर्च हो वो मैं हूँ थोड़ी याद है कि खुशी ना जिक्र करता सी कि बहन की जिक्र होता सी कि बहन की शादी होगी जिसने बहन की शादी हुई तो सारे रोन मैं बच्चा सन मैं इस तजाद में समझ नहीं सकिया कि शादी तो पहले खुश होते सन जो शादी हो रही तो रो रहे वो ऐसी कि चूंकि टुर जाना होता सी दी ने दूजे घर जाना सी इस वास्ते रोंदे सन घोड़ा उत्ते रखे होंदा ना जी एक तो सारा सिलसिला होंदा वो गुड़ गुड़ वाला उहदे उत्ते मिट्टी का एक वेजा रखते जिहदे तंबाकू रख के उत्ते थोड़ा जिहा गुड़ रख के अंगारे या अग आम तौर पर रखते और वो बड़ी देर चलता सोने छोर नूं छावा आखदे सन छावा जिहड़ा किधरे मैं होर दे लफ्ज नहीं सुने हुण मुत्ते बड़ी उम्र हो गई छावे दा लफ्ज किधरे होर दे नहीं और फेरे भी मेरे ख्याल नापैद हो गया मैनूं याद है एक प्राचा मेरा यार सी उहदा मेरा गोरा रंग सी वो दो सन एक ना रियाज सी फिर उसका रिश्तेदार सी हमीद हमीद चाचा मेरा क्लास फैलो भी सी और सोना भी आ मेरा यार भी आ उन मैं दसा वो छावे छोड़ा वो हसदा मेरे रिश्तेदाश्त घट ही है ये याद है कि वो पढ़ाण आते सर मैं उन्होंने तकिया एज ए टीचर ये मैं याद असं इस तरह उन्होंने याद रखे एज ए टीचर तो उसने ज़्यादातर टीचर भी हिंदू होंगे स मुसलमान घट टीचर होंगे स पढ़ते नाम में या कोई और बहुत सारे असबाब ने अंग्रेज भी डिस्करेज करते सी ना मुसलमान वो समझते सन कि बागी होंगे 1857 में भी मुसलमान ज़्यादा हिस्सा लिया जिंदी वजह तो मुसलमानों ने डाउनग्रेड करना सप्रेस करना अंग्रेजों की पॉलिसी सी और अंग्रेज के जाने तो बाद मुसलमान ने सुन ज़्यादा तरक्की की क्योंकि नौकरी भी उसने मुश्किल ना मिली उसने वो बड़ा खुश होया कि एक बंदा प्रोफेसर फोकलोर गांधा और पॉपुलराइज करता क्योंकि उसने लोगों ने सेंस ही नहीं सी लोग समझे सन ये अच्छी चीज़ नहीं वो इस लिहाज में मैं पायनियर सा फोकलोर अक्सी मुफ्ती अच्छा कुदरतुल्ला शाह मुमताज मुफ्ती का यार सी और वड्डा अफसर आ कोई सैकटरी मैकटरी उसने चुनाचे फोकलोर का इलाड़ा खुवाया और अक्सी मुफ्ती मेरा शगिरद सी कॉलेज स्टूडेंट रहा और मैं उसको स्टेज से कम लिया वो मैं लै गया ले जाने वास्ते मिन्नत की जिसने मैं उत्थे ज्वाइन कर लिया वो मैं याद है एक तो उस आख्या तो हम घर देवे टेम्पटेशन कहना कि कॉलेज मेरे को घर आया मेरा दिल नहीं सी वो घर छोड़ने
मेरी बीवी आख्या कि अस अच्छे गाड़ी चलाऊंगे चल। मेरा दिल नहीं सी राखी का क्योंकि काले रोड से बड़ी इज्जत सी, बंदे ने इज्जत पसंद आती है। मेरा जी इस लिहाज नाल बड़ा अच्छा शहर सी कि एक तो तारीखी सी, तुसके बाबरी वगैरह बिच और कई पुरानी किताबों का जिक्र आया, क्योंकि वो रामायण का ड्रामा करते सन। तकरीबन 35 दिन के लगभग वो ड्रामा चलता, और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बड़ा बाकायदगी जाके वो देख लूँगा। मैंने अच्छी तरह याद है कि मेरे को एक मुसलमान दोस्त ने पूछा तू क्यों जाना, मैं क्या रामायण एक बहुत अच्छा ड्रामा है तो देखने जाता हूँ, इसमें क्या हरज है। कहते वो हिंदुओं का, मैं क्या है हिंदुओं का, जिसका अच्छा प्ले है अच्छा ड्रामा है तो उसमें क्या हरज है। वो मैं देखने बाकायदगी से जाता था, खास तौर पर जो उनका रामायण का वो हिस्सा है जिसमें लंका का रावण, आप जानते हैं ना रामायण की कहानी, तो लंका का रावण का वो बुत बनाते थे कागजों, 15-20 फुट ऊंचा होता था बड़ा करके, उसमें गोले और पटाखे होते थे, और फिर वो इसको एक दिन जलाते थे। मैं बाकायदगी से देखता था, मुझे तमाम मुसलमान या 99% ज़्यादातर मुसलमान वो थे जिनके आबा अजदाद हिंदू थे, और सूफिया किराम के हाथों उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इस वजह से हिंदुस्तान के मुसलमानों का रवैया बड़ा टॉलरेंट था, यानी बड़ा उनमें कुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा थी। हमारा अच्छा वक्त गुजरा, भेरा में मेरी मैट्रिक तक तालीम, आप देखें भेरा में लोग पढ़ने के शौकीन थे, एक गवर्नमेंट हाई स्कूल था, एक हिंदू का इलाहाबाद आर्या हाई स्कूल उसको कहते थे, और इस तरह निस्बतन जो कदामत पसंद हिंदू थे, निस्बतन मैं कह रहा हूँ, वो आर्या हाई स्कूल में जाते थे, जो निस्बतन टॉलरेंट किस्म के हिंदू थे वो गवर्नमेंट हाई स्कूल में हमारे साथ पढ़ते थे। इसके अलावा यह है कि चराचे ज़्यादा असर्टिव थे अपने मतलब। भेरा में ऊंची ऊंची माड़ियाँ जिनको बोलते थे, बिल्डिंग होती थी, मेरा अपना आबाई घर भी 3 मंजिला था, और हमारे सामने शेखों के घर भी ऊंची ऊंची मंजिलें थी। भेरा में ऊंची मंजिलों के अलावा लोगों की बोली का लहजा होता था। एक मशहूर जड़ा उस्ताद काजी सदीक सी, काजी सदीक मशहूर उस्ताद सी, फिर जिसने हेडमास्टर भी कुछ अर्सा रहे। इस तरह एक और उस्ताद सी, मैं ना याद आ रहा, मौलवी जुबैर, वो मैं याद है कोई शिया ख्यालात का बड़ा जिक्र करता हूँ, चुनाचे मेरे भी बहुत सारा रुझान इमाम अली और इमाम हुसैन के मुतलक वो है, जिहड़ा साडा टीचर मौलवी जुबैर सन सिखांदा सी। मैं वालदा नाल करदा सन, वालदा कहंदे सी बच्चा अच्छा उहनां दी इज्जत करो, लेकिन यह है कि अल्लाह एक है, जिहड़ी किसे दे पिछे
या किसी नूं सजदा नहीं करना। सजदा करने नाल अल्लाह नाराज होएगा, क्योंकि सिवाय अल्लाह दे किसी नूं सजदा नहीं करना। ये गल याद रखी, बाकी सब खैर है। मुसलमान कराचियां दे लहजा मुख्तलिफ, खोजियां दा जरा थोड़ा जिहा मुख्तलिफ, हर मह्ल्ले दे लहजे फर्क सी। मैनूं याद है मेरे कोलों पुछिया शेखां ने कि तुसीं पिछों कित्थों आए हो। मैं महिला मां कोल गया कि असीं पिछों कित्थे आए हैं। वो कहंदी पुत्तर ठीक किसे शेख ने पुछिया, क्योंकि असीं 100% इत्थों दे रहने वाले नहीं हाँ। तुहाडे आबाओ अजदाद पड़दादा जखड़दादा जेलम दरिया तो पार ज़्यादा दूर नहीं, दो छोटे छोटे जने जिसन गाई और गुप उत्थों आए सन। मैं याद पाँगा कि बड़े अरसे बाद उस मैं सरबत आस से किसी ने मेरे को पूछा तुम कितों आए हो। मैं आख्या सी वेरे हो, कहते जी वेरे हो भी कितों आए सो। मैं आख्या गाई गुप्त सके एक ही। मैं आख्या दो विलेज से वो मैं नासा आंदा पिया। इस तो कुछ अरसे बाद वो मैं मिले तो कहता सर आप ठीक कहते हैं, गाई गुप आप भी हैं। तो मैंने कहा मुझे कभी ले चलना, कहता ले चलूँ। इस तरह मतलब है एक हिंदू यार हों सी, उसका नाम मैं पूरा पर लिख ना सी, उसने बूची बूची आखते। इस तरह और भी हिंदू यार था ना, हूँ इस वे मैं याद नहीं आ रहा। महाराज खोजा के मतलब मैं याद है जफर एक हों कपूर, वो आखता सी मैं कपूर हाँ जात का। वो बहुत अच्छा यार सी, उसकी बैठक पर जाके बहना सी। मैं बड़े अच्छे बाद फिर गया तो खोजा के मल गया, वो उत्थे जो रहा कहें जी साडा वो नाना उसका पुत्र से आ कोई ना। मैं क्या चलो यार ठीक है। मैं उसकी याद वास्ते इस बैठक असं बंद रहे, वो खुश तो हो, लेकिन बहरहाल इस तरह करके राचियां नाल भी दोस्ती है सी, इस कोई शक नहीं। और जिस तरह तुम दस्या सी होर भी कोई प्राचे है सन जो यार दोस्त है सन, मैंने हस रहे हूँ सच्ची गल नाम भूल गए, क्योंकि हूँ बड़ा अरसा होया उन्होंने इन टच नहीं है। अल्लाह खैर रखे। मैं बेरे नूं ख्वाब विच जिसलै कल्ला बनना उसदियां गलियां विच उसदियां माड़ियां फिरदा रहना। मैं याद है कि मैं एक बारी अपनी गड्डी जिसे नवी लई है आई सेकंड हैंड, लेकिन जिसे लई तो फिर सरबत दे भी। मैं आख्या बेहद भी चक्कर नहीं। मैं याद है गांजर दरवाजे मैं आख्या जफर खोजे मिलो, उस जाके गप्पा लाइया मिलिया। वो जिकन चंगा बंदा सी इंजे आ रही आ बारा, अल्लाह ताला उसनों अगर नहीं जिंदा तो जन्नत है, अगर जिंदा तो और जिंदगी दे। मेरा अच्छा वक्त यादा ने मेरे ना, लेकिन हूँ इस वेले या इन्होंने दिन मेरे कोई ऐसा बंदा नहीं जिसनों मैं दोस्त। एक बारी मैं गया तो मैं एक पुराना यार थी जिड़ के ना अराई, उसकी रात अराई आई सिद्धू राई असी सदे सो। मैं याद है कि जरा शेखां दे मल्ले एक खोजियां का भी गढ़ सी, और बड़ा सारा गढ़ सी उहदे च। उन्हां दी फैमिली दे कई घर रंग गए,
उन्होंने याद है साढ़े अबे का जेडे ख्वाजा रशीद सन बड़ी अच्छी दोस्त मेरा अब्बा उन्होंने को जाके बन लगा वो इस वास्ते मैं याद है एक चाचा शरीफ साहब दाड़ी वाले खोजे होंगे सन उन्होंने पुत्र अल्लाह जिन्हों असी तुल्लू आखते स सारे दोस्त तुल्लू उसके नाल बड़ी यारी सी उसके घर भी जाइए से अगर उन्हें ही जिंदा अल्लाह सन बड़ी उचिया जनता ने भी फिर वो दरिया जेलम नेड़े में चिड़ी चौक वाले दरवाजे तो निकल के फिर दरवाजे ना जी वो चिड़ी चौक वाले दरवाजे तो निकलना ना तो इसी फिर जरा लफ्ज़ इस्तेमाल करना टीट चौनी। टीट चौनी का मतलब है कि रनिंग फास्ट बजद्या बजद्या दरिया तो पहले एक नाला आता सी उधर जाके ड्रक मारना फिर उतों निकल के पार जाना तो एक होर दरिया का छोटा हिस्सा आता उन्हों दबे का वाह आ गया दबे जा कपड़े धोते होंगे उधर जाके ना उधर वो डूगा सी ना कि तरना पाता सी इस तरह असा तरना सीखा हाथ मार मार के फिर किसी ने आख्या इंज करके पूरी बाह मार ना तो खुद ही तरना सीखे वो इस समय कह रहे हैं कि इस्लामाबाद क्लब का मैं मैंबर बनया तो वो जो पूरे पूरे स्विमिंग पूल जिसे पहले दिन गया तो मैं निकर पा के तो दरख मारा करना तो मेरे बच्चे कहते अबू यू नो हाउ टू स्विम मैं क्या बड़ी अच्छी तरह मैं आख्या मैं बच्चा बेरे बेरा कद्दी नाद असी दरिया के किनारे कद्दी आखते मैं आख्या उत्थे सानू पता होंदा सी कि इत्थे दरख मारा तो डुब जाने वो वापस नहाने तो बड़ा दिल करता सी गर्मी की छुट्टियों रोज़ फिर रिवाज ये सारे पंजाब रिवाज है कि गर्मियों आफ्टरनून लोग सौंदे वो साढ़े माँ प्यो भी सौंदे तो असं टेट चाहनी नहाँ टुर जाना तो नहाने के नाल बाद धुप के नाल थोड़ा जहा रंग बदल जाता वो माँ पता लग जाता सी माँ जी कर वो पुत्र ना गया कर डुब वैसे ना गया कर डुब वैसे बहरहाल असा तरना सीख लिया बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है कि डुबने तो बच गए क्योंकि एहतियात करी रही सी फिर ये हिंदू भी मेरे याद करते तो मैं कि कोई प्रोग्राम रेडियो या टेलीविजन से देखा जो मेरे जी हिंदू मेरे याद कर रहे कितने मैं सुनया या देखा हूँ याद नहीं आ रहा मेरा हिंदू मुस्लिम इतिहास का एक बहुत सोहना नमूना मैं इस तो आखदा पाया कुछ कद झगड़ा नहीं आया जिससे गए तो जीवन छोड़न ट्रेन से गए घट शहर होंगे जिते मुसलमान का कहने वास्ते इकट्ठे शहर का शहर गया भेड़े चो गए शहर का शहर और भेड़े एक गोली नहीं चली न्याणी कोई एक अद गोली चली होगी नहीं तो न्याणी तो पर फसादात हो फेरे कोई फसाद न्याणी भी नहीं मेरे लोगों का रंग आम तौर से ब्राउन जिस तरह है मेरा ये टिपिकल मेरा सरगोली का रंग से काला अफशीस तो क्योंकि वो एबेसिनिया में मुसलमान हैं ना जी बड़े पुराने मुसलमान तो कोई गया सी हिंदू या मुसलमान वो उसके नाल नौकर से या उन दोस्त से वो फिर आया कि वो कला अब
ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਅਰਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬ ਤਾਜਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲਾਇਆ ਅਰਬ ਤਜਾਰਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਮਿਲਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੱਟ ਵੰਝਲ ਰਹਿੰਦਾ ਮਤ ਭੱਠ ਰਨਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਖੁਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤ ਪਹਿਲੇ ਹਾਸਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਯਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋ ਕੇ ਦੇਂਦੀਆਂ ਦੱਸ ਉਹ ਜੱਟਾ ਉਹ ਜੱਟਾ ਉਹ ਜੱਟਾ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਟ ਵੇ ਬਾਬੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੇਖਣ ਦੇ ਇਹ ਆਖਦੀ ਜੋਗੀਆਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਕੌਣ ਰੁੱਠਣੇ ਯਾਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿੱਠਾ ਮੈਂ ਡੂੰਬ ਸਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨੇ ਆਉਂਦਾ ਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਬੇਰਾ ਪੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਫੁਰ ਗਏ ਕੁਰਮਾ ਪਰ ਬੇਰੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਖੁਦਾ ਫੁੱਲ ਮੁੱਕ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਬੇਰਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਵੀ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਵਿਦਰ ਡਵੇ ਬਟ ਬੇਰਾ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਦੇਅਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਬੇਰਾ ਨਾ ਕਾਇਮ ਰਵੇ